नमस्कार। जिला अस्पताल रियासी में बने सोलर प्लांट की लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। इस सोलर प्लांट का इतिहास आपको बता दें कि कई साल पहले जब अस्पताल पुराने अस्पताल रियासी से जिला अस्पताल की इमारत में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट हुआ था तो ये सोलर प्लांट यहाँ पे बना हुआ था। और इस सोलर प्लांट से जो है ओपीडी की जो बिल्डिंग साथ में आप देख रहे हैं जो कि सबसे पहले इमारत बनी थी, तब यहाँ यहीं पे इमरजेंसी मरीजों को भी देखा जाता था और ओपीडी में भी जो वार्ड्स में लोग मरीज रखे जाते हैं वो भी यहीं रखे जाते थे। यहाँ पे इस सोलर प्लांट से जो है वो बिजली आपूर्ति होती थी। सनलाइट से ये सोलर प्लांट जो है इस इमारत में रोशनी करता था इमरजेंसी पर जब लाइट जाती थी, लेकिन उसके बाद जनसेट भी आ गए अस्पताल के पास, लेकिन कुछ देर इसने काम किया उसके बाद ये बंद पड़ा हुआ है और लगातार पिछले कई सालों से ये बंद पड़ा हुआ है। और अब इसकी हालत आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो है वो झाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो इसको ऑपरेशनल क्यों नहीं किया गया है, आज ये सवाल हमने डिपकॉम जम्मू से भी किया। और आप अंदर देख सकते हैं कि कितनी सारी बैटरीज जो हैं इस सोलर प्लांट के अंदर लगाई गई हैं, लेकिन इनका काम कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा है। झाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं और काफ़ी ख़राब अवस्था में ये है, ऑपरेशनल नहीं है। जनता की कमाई का पैसा किस तरह से बर्बाद किया जाता है ये इस सोलर प्लांट से आप देख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल पेश कर रहा है सोलर प्लांट। अगर इसे ऑपरेशनल किया जाता है और कुछ जो बल्ब हैं, कुछ जो ट्यूब लाइट्स हैं वो इससे चलाई जा सकती हैं और यहाँ पे और ज़्यादा उजाला जो है वो किया जा सकता है। जब लाइट जाती है जब उस समय भी कुछ बल्ब्स जो हैं इससे जलाए जा सकते हैं और इमरजेंसी की सिचुएशन में जो है रोशनी इन इमारतों में जिला अस्पताल की जा सकती है। काफ़ी सारी बैटरीज अंदर लगाई गई हैं लेकिन उनका अब कोई काम नहीं है। और अब जानकारी ये भी मिली है कि अब इस पर काफ़ी ज़्यादा जो खर्चा है वो होगा। प्राइवेट कंपनी द्वारा इस प्लांट को लगाया गया था लेकिन कुछ देर काम करने के बाद ये बंद हो गया था। तो किसकी नलायकी अब इसमें कहेंगे, कौन अकाउंटेबल है इसके लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल जो भी था या है उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्या उन्हें कहा जाएगा कि इस सोलर प्लांट को ऑपरेशनल किया जाए या फिर जो जनता का पैसा है वो बर्बाद किया जाएगा। तो चलिए ये सवाल हम लगातार पूछते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।